सोनीपत में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खास तौर पर सोनीपत में एक बार फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार जा पहुंचा है और मौजूदा समय की बात करें तो 449 एयर क्वालिटी इंडेक्स हो गया है और यह प्रदूषण का सबसे खतरनाक स्तर माना जाता है। हालांकि जिस प्रकार से बात करें दिल्ली में भी सोनीपत की 49 बसें जो हैं हरियाणा रोडवेज की बसों का भी बैन कर दिया गया है। B4 की ये बसें हैं जिनका अब संचालन जो है सोनीपत रोडवेज नहीं कर पाएगा। लेकिन जिस प्रकार से बात करें तो दिल्ली से सटा हुआ सोनीपत में कई औद्योगिक क्षेत्र हैं और यहाँ प्रतिदिन जो है अपशिष्ट पदार्थों में आग लगाई जा रही है। बावजूद इसके प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई या ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। हालात ये भी हैं कि शहर के अलग अलग हिस्सों में कूड़े के ढेर में आग लग रही है और प्रशासन की कहीं ना कहीं लचर व्यवस्था लोगों के आड़े आ रही है और लोगों को तकलीफ हो रही है सांस लेने में और खास तौर पर अस्थमा और गले के रोगी और खास तौर पर आंखों में भी जलन के मामले सामने आ रहे हैं। नागरिक हॉस्पिटल में प्रतिदिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और वहीं 30-40% मरीजों में इजाफा हो गया है और वहीं बच्चे और बुजुर्गों को भी खांसी जैसी समस्या से ज़्यादा जूझना पड़ रहा है। तो दूसरी तरफ स्कूल में जाने वाले बच्चों के लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग है क्योंकि पोल्यूशन का स्तर बेहद खतरनाक होता जा रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा भी जो है कोई ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। ऐसे में जिस प्रकार से बात करें प्रदूषण जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। देखना होगा कि प्रशासन ने बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर अब आगामी क्या रणनीति बनाता है। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए राम सिंह वार।